नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी अज्ज दे स्पैशल एपीसोड विच असी तख्त दमदमा साहिब साबू की तलबंडी विखे आप जी नूं दर्शन करवा रहे हैं। तन तन सच्चे पिता दसवीं पातशाही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे शस्त्रां दे ते दस रहे हैं इस गुरद्वारा साहब दा संपूर्ण इतिहास। यह लाइव रिकॉर्डिंग है जिहड़ी असी गुरद्वारा साहब तो कीती है। आप वडभागी बन शस्त्रां दे दर्शन करो ते जाणो इस गुरद्वारा साहब का संपूर्ण इतिहास। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हे पावन श्री साहिब जिस दे आप जी दर्शन कर रहे हो साहिबे कमाल सरबंस दानी अमृत के दाते तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने गात्रे सजा के रख्या करते सन जिथे सतगुरां ने आप शस्त्र पहने उठे खालसा पंथ नूं अमृत छके शस्त्र पहन के गैरत ते अणख की जिंदगी जिउण दा उपदेश दिता। पावन बचन हन आस कृपान खंडो खड़ग तुप कतावर अरतीर साहब सरोही साहथी जह हमारे पीर। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। खालसा जी ए पावन इतिहासक बंदूक भाई उदय सिंह लाहौर निवासी वालों इन्हां ही पावन स्थानां ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं भेट कीती गई बेनती कीती। सतगुरु जी पक्के लोहे दी बनी है बड़ी दूर तक मार करदी है भावना नाल लेके आया हां जी दर प्रवान करिया जी। सतगुरां दे पास दीवान दे विच इलाके दा चौधरी भाई डल सिंह सजिया करदा। सतगुरु जी जेकर आनंदपुर साहिब दी जंग समय आप जी मैनू चेते कर लेंदे मैं ते मेरी फौज आप जी दे नाल हुंदे आप जी नूं आनंदपुर साहिब दा किला खाली ना करना पैंदा आप जी दे साहिबजादे शहीद ना हुंदे। सतगुरां ने वचन कीता भाई डल सिंह अकाल पुरख वाहिगुरु दा हुक्म सी होके रहना सी जेकर तेनू अपनी फौज ते अपने योधियां ते इतना माण है लिया तेरी फौज दा कोई योधा सी निशाना परख ना करिए। आ गुरु प्यारा भाई उदय सिंह अपनी बनाई बंदूक दा बहुत माण करदा। वचन मानदे आ भाई डल सिंह जी ने अपनी फौज नूं आवाज दित्ती अगों फौज ने उत्तर दिता कि सानू खड़ के गोली खा के मरन वाली मौत परवाह नहीं जंग युद्ध विच लड़ाके वेखो मरिए जां मारी। भाई डल सिंह जी सतगुरां पास पहुंचिया अंतरयामी सतगुरु जान गए। सतगुरां ने फिर वचन कीता भाई डल सिंह जा हुण साडे सिंघां दे विचों किसी एक सिंह नूं आवाज देनी कर ते कहना करी सतगुरां ने बंदूक दा निशाना परखना कोई गुरु प्यारा शहीदी दे नहीं आवे। भाई डल सिंह जी ने गुरु के प्यारिआं नूं आवाज दित्ती गुरु के प्यारे बाबा वीर सिंह जी बाबा धीर सिंह जी सतगुरां पास हाजिर होए। सतगुरां ने वचन कीता सिंघो असीं इक सिंघ दी मंग कीती है। बाबा वीर सिंह जी कहन लगे सतगुरु जी आवाज पहला मैनूं सुनाई दित्ती है मेरे ते निशाना परखो। बाबा धीर सिंह जी कहन लगे सतगुरु जी आवाज पहला मैनू सुनाई दिती है मेरे ते निशाना परखो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बंदूक का निशाना परखना कीता।
सतगुरु जी बंदूक नूं थोड़ा नीमा रख दे, गुरु प्यारे वीर आसन लाके बैठ जांदे, सतगुरु जी बंदूक नूं उपर नूं चुक दे, गुरु प्यारे खड़े हो जांदे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बंदूक दा निशाना गुरसिखां दे उपर दे चलाउणा कीता, गुरसिखां नूं माण बख्शिया, सिखी सिदक दे पर कीती जिस विच गुरु के प्यारे पास होए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जदों भी इस पावन पवित्र महान धरती तों सिख संगतां दे नाम हुक्मनामा जारी करिया करदे, पावन हुक्मनामे उपर पावन मोहर लगा के भेजा करदे सन, गुरमुखी विच अखर उकरे होए ने, अकाल सहाए गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की जगह तखत श्री दमदमा जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सत श्री अकाल। खालसा जी, ये पावन इतिहासक नेगा, धन धन बाबा दीप सिंह जी अपने गात्रे सजा के रख्या करते सन। बाबा जी इस पावन स्थान के पहले मुख सेवादार सतगुरां वल्लों थापे गए जी। बड़ा लम्मा समा अद्धी सदी तो वध बाबा जी ने इन्हां पावन स्थानां दीआं जिथे सेवावां निभाईआं उथे इलाके दे विच सिखी दा प्रचार ते प्रसार भी कीता। किले दे रूप दे विच बाबा जी ने तख्त साहिब जी दे सज्जे पासे 70 फुट उच्चा बुरज भी तैयार करवाया। जदों बाबा जी नूं इस पावन धरती ते इह खबरां मिलियां कि लाहौर दा सूबेदार जहान खान भारी फौज लैके सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दी बेअदबी करा रहा है, बाबा जी ने सूरबीर योधिया बहादुरा गुरसिखा नूं नाल लेके अरदासा सोधिया अते इह पावन तेगा संगतां नूं दर्शन दारे वजों बख्शिश कीता। आप अपने गात्रे खंडा पहन के बाणी पढ़ते हैं, जाओ तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै काना कीजै, श्री हरिमंदर साहिब वल जाना कीता। चब्बे दे मैदान विच सांझा वार लगन नाल बाबा जी दा शीश धड़ तों जुदा होया। सिंघां ने बाबा जी नूं उस समय बेनती कीती, बाबा जी आप जी तख्त साहिब जी ने पावन पवित्र महान धरती तों अरदास बेनती करके चले सो कि असां ने श्री हरिमंदर साहिब जी पहुंचना है, आप जिया ने इत्थे रस्ते विच शहीदी प्राप्त कर ली है, श्री हरिमंदर साहिब हालां अगे ने। ये बोल सुनदिया बाबा जी ने पावन शीश खब्बे हाथ दी तली ते रखदे आ, सज्जे हाथ नाल खंडा पाउंदे आ, जालमां नूं सबक सिखाउंदे आ। धन धन श्री गुरु रामदास सतगुरां दे दर ते पहुंच करके पावन शीश भेट कीता, फतेह बुलाई, श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब आजाद करवाई। ਇਹੀ ਪਾਵਨ ਤੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੁਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਲੜ ਪਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਓ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ,
शीशा जिन्ना भी जीवां दा लखवी जी बीमारी नाल मुख विकार होया करेगा जी तीन दिन देखन नाल ठीक हो जाया करेगा। वचन अटल होए जी अनेक प्राणी इत्थे रोजाना हाजरी भरदे ने सतगुरां दी कृपा दा सदका आस्ता आस्ता ठीक होके जांदे ने अज भी कला वरत रही है। इसे ही पावन धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ नूं पुत्र बना के माता साहब कौर जी पावन पवित्र चोली विच पाया। तख्त साहब जी दे मांगरले पासे माता साहब कौर माता सुंदर कौर जी दा पावन स्थान है जिथे माता जी होरां ने भाई मनी सिंह बेंत संगतां ने दिल्ली तों आके सतगुरां नूं मिलना कीता सी। जदों भरे दीवान दे विच माता साहब कौर माता सुंदर कौर जी नूं चार साहबजादे बिरद माता गुजर कौर नजर ना आए ता माता साहब कौर माता सुंदर कौर जी ने सतगुरां नूं बेनती कीती, सतगुरु जी चार साहबजादे बिरद माता गुजर कौर ओ गुरु के प्यारे जो आनंदपुर साहब की धरती ते आप जी दे अंग संग होया करदे सन नजर नहीं आ रहे किथे ने। खालसा जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सजे दीवान अंदर खालसा पंथ संगत वल इशारा करके इस पावन धरती ते वचन उचारण कीता सी, इन पुत्रन के शीश पै वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। उपरंत माता साहब कौर जी पावन पवित्र झोली विच खालसा पंथ नूं पुत्र बना के पाया। तख्त साहब जी दे सज्जे पासे गुरद्वारा बाबा वीर सिंह बाबा धीर सिंह जी का पावन स्थान है जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिखी सिदक दी पर कीती सी। दर्शनी ड्योड़ी तो बाहर जाते हैं खबे हाथ सड़क जाती है गुरद्वारा जंडसर साहब जी नूं जिथे सतगुरां ने जंड नाला की घोड़ा बनिया सिंघां नूं गुप्त खजाना कढ के तनखाहां भी वंडियां सन ते कुछ शास्त्र भाई डल सिंह की सेवा तो प्रसन्न होके सतगुरां ने जी उन्हां नूं बख्शिश कीते सन जो भाई डल सिंह दे घर हन। भाई डल सिंह दा घर तख्त साहब दे नजदीक है। सेवक परिवार वालों अमृत वेले तों लैके संध्या वेले तक संगतां नूं दर्शन करवाए जांदे ने जी। फुल चुक दी खिमा करनी गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।